हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना विश्वकर्मा. होप यू आर गुड. नाउ इट्स मी साइनिंग इन. कैसे हैं आप सभी? बेटर होंगे. चलिए, हम जैसे कि आप जानते हैं कि इससे प्रीवियस हमने जो कोर्स एट का सीरीज था हमारा, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं. और कोर्स एट में लगभग हम कोर्स एट का प्लेलिस्ट भी कंप्लीट करने वाले हैं. एक दो टॉपिक बस बचे हुए हैं, उसके बाद हमारा कोर्स एट का भी नॉलेज एंड करिकुलम बीएड सेकेंड ईयर का प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगा. और ये जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके कोर्स एट की, नॉलेज एंड करिकुलम की, जितने भी टॉपिक से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है और मैंने यूनिट के अकॉर्डिंग काम किया है, तो आप देख सकते हैं और अपना सिलेबस वहां से कंप्लीट कर सकते हैं. यू कैन मेक योर ओन नोट्स. आप नोट्स भी बना सकते हैं वीडियो को देखकर, सुनकर, चीजों को लर्न करके. मैंने कोशिश की है कि हर पर्सपेक्टिव को डिटेल में जाऊं, और वीडियो थोड़े लेंथी जरूर होंगे, बट आपको ये सुनने के बाद आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और अपनी भाषा में अपने आंसर को आप लिख भी सकते हैं. ये तो थी एक बात. चलिए अभी हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे कि आज क्या है. तो आज का टॉपिक भी हमारा क्या है, यूनिट 6 से रिलेटेड, जो कि क्या था आपका, आपको पता होगा इससे पहले वाला वीडियो हम लोगों ने अपलोड किया था, सोशल बेसिस ऑफ एजुकेशन, की शिक्षा के सामाजिक आधार क्या हैं या समाजशास्त्रीय आधार क्या हैं. तो हम लोगों ने इसमें इससे पहले वाले टॉपिक में जो पढ़ा था आपका, सोशल बेसिस ऑफ एजुकेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोसाइटी कल्चर मॉडर्निटी को, इसको ख़त्म किया इस टॉपिक को. उसके बाद आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक इसी में, सोशल बेसिस ऑफ एजुकेशन में, जो हमारा टॉपिक है आज का. हम टॉपिक बता दे रहे हैं, टॉपिक जो है आपका आज का ये है, हिस्टोरिकल चेंजेस इन इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंडस्ट्रियलाइजेशन डेमोक्रेसी आइडियाज ऑफ इंडिविजुअल ऑटोनॉमी. हम इसके रेफरेंस में पढ़ेंगे आज हिस्टोरिकल चेंजेस सोशल बेसिस ऑफ एजुकेशन के. तो जैसे कि इसमें दे रखा है हिस्टोरिकल चेंजेस इंट्रोडक्शन, यानी कि जो औद्योगिक क्रांति है या औद्योगिक लोकतंत्र है, और एवं जो इंडिविजुअल ऑटोनॉमी यानी जिसको हम व्यक्तिगत स्वायत्ता बोलते हैं, इनके विचारों को और इनके रीजंस को, यानी कि इनके रीजंस को यानी कि कारणों को पढ़ने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ हिस्टोरिकल चेंजेस, यानी कि ऐतिहासिक परिवर्तनों का परिचय देते हुए. तो आप इस टॉपिक से पहले फेमिलियर हो जाइएगा. ये टॉपिक आपका है हिस्टोरिकल चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाई द इंडस्ट्रियलाइजेशन डेमोक्रेसी आइडियाज ऑफ इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, यानी कि औद्योगिक लोकतंत्र एवं व्यक्तिगत स्वायत्तता के विचारों एवं उसके कारणों द्वारा ऐतिहासिक परिवर्तनों का परिचय. यहाँ पे हम बात करेंगे इसके बारे में डिटेल. तो चलिए जो टॉपिक्स हैं इनको इंट्रोड्यूस कराते हैं पहले आपको. चलिए सबसे पहला जो टॉपिक आएगा हमारे यहाँ पे, क्या दे रखा था स्टार्टिंग में, इंडस्ट्रियलाइजेशन या जिसको हम बोलेंगे औद्योगिकरण. ठीक है, तो यहाँ पे हम वन बाय वन सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे. देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने आप में क्या है, बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक व्यवस्था है. भारत में जो भारतीय समाज की अगर हम बात करते हैं, तो औद्योगिक लोकतंत्र या इंडस्ट्रियलाइजेशन डेमोक्रेसी अपने आप में बहुत बड़ी व्यवस्था है. और आपने ये देखा होगा कहीं ना कहीं जो हमारा पहले का भारत था या पहले की चीज़ें थी, इतनी वेल डेवलप नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पर मॉडर्नाइजेशन नहीं था, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था. बेसिकली लोग क्या करते थे कि खेती करते थे, तो हमारा भारत देश बहुत गरीब था, चूँकि गाँवों का देश था तो खेती यहाँ पे ज़्यादातर होती थी, और लोगों को और कोई काम करने के अलावा यहाँ पे खेती ज़्यादा करते थे. मतलब उनको खेती करना प्रॉपर तरीके से आता था, यानी कि फार्मिंग करना आता था. तो फार्मिंग से आप खुद सोचिए कि हमारा देश का इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर कितना वेल डेवलप हो सकता है, बट नहीं था. तो इसकी सक्सेस को आगे बढ़ाने के लिए हमारे जो देश के नागरिक थे, उन लोगों ने बहुत सारे काम किए, अपनी वैल्यूज़ में रहकर काम किए और कोशिश की कि जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, हमने अपने आप को एग्रीकल्चर से उठाकर मॉडर्न सोसाइटी की तरफ लेकर गए. मतलब अपने सोशल पर्सपेक्टिव को, इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव को क्या किया, चेंज करने की कोशिश की. आपने ये देखा होगा पहले के लोग बेरोजगार रहते थे, ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट नहीं था, तो इसलिए उनको जब भी जिस चीज़ की नीड होती थी वो क्या करते थे, जैसे आज से 100 साल पहले की बात अगर हम करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता था, लोगों को कपड़ा चाहिए होता था, तो वो चरखे के थ्रू धागा बनाकर फिर कपड़ा बनाते थे. मतलब उनको जैसी नीड होती थी, जैसी आवश्यकता होती थी, वो काम कर लेते थे. बट वो हाथ से बनाना, हाथ के थ्रू करना, और हाथ का बनाया हुआ भी हमेशा परफेक्ट नहीं होता है, प्लस वो टाइम टेकिंग होता है, और हर किसी को वो कला नहीं आती थी, है ना. जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट होते हैं आप जानते होंगे, गांधी जी इसके प्रमोटर थे, तो जैसे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट में क्या होता है कि वो चीज़ों को हाथ से बनाएंगे तो अंडरस्टूड है कि टाइम लगेगा. तो हैंडीक्राफ्ट जो प्रोजेक्ट होते थे हाथ से चीज़ें, उनका यूज़ हम कब तक कर सकते हैं, उनकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, ये सारी चीज़ें भी बहुत सारी चीज़ें थी. तो ये पास्ट का बैकग्राउंड था जब हमारे भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था या औद्योगिकरण नहीं था. लेकिन हम धीरे धीरे आज़ाद हुए, हम थोड़ा सा डेमोक्रेसी में आए, मतलब लोकतंत्र में आए. डेमोक्रेसी का मतलब भी क्या होता है, एक तरीके से पावर ऑफ द पीपल, है ना. और इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ का क्या हुआ, स्थापना हुआ उस टाइम पे, है ना. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इज नोन एज द इंडस्ट्रियलाइजेशन. और सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ हुई, आपके इंग्लैंड में हुई. तो इंग्लैंड में भी पहले लोग खेती ही करते थे, लेकिन उन्होंने ये देखा कि वो दिन में खेती करते हैं, बट रात में वो किसी और काम को भी करने में क्या हो रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि हम फार्मिंग के अलावा
एग्रीकल्चर के अलावा अपने आप को किसी और काम के थ्रू करने की कोशिश करें, ताकि हमारा जो इकोनॉमिकल रेट है, जो हमारा ग्रोथ रेट है, जो हमारा डेवलपिंग रेट है, वो क्या हो, थोड़ा ऊपर हो। तो हम ह्यूमन ग्रुप मिल के क्या किए थे, जो एग्रीगेरियन सोसाइटी थी उसको चेंज किया हम लोगों ने और हम मॉडर्न सोसाइटी की तरफ परिवर्तित हुए। तो इससे क्या हुआ, हमारा सोशल इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा हुआ और हमारा जो इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव था वो बहुत अच्छा था। तो जब हम इकोनॉमिकली तौर पर अच्छे होंगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी अपने आप में बहुत बड़ा एक रैपिड चेंज है जो हमने अभी इधर 10 सालों में 15 सालों में देखा है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के होने के साथ साथ जैसे लिबरलाइजेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया, आपका ग्लोबलाइजेशन हो गया, LPG का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से लागू है। तो यहाँ पे उस समय पहले क्या होता था कि पहले लोग, इसलिए भी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ क्योंकि लोग चीज़ें हाथ से बनाते थे और उनके पास बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं थी, है ना। तो वो अपनी नीड के लिए जैसा ज़रूरत होता था बना लेते थे, बना के अपना यूज़ कर लेते थे, तो वहाँ पे प्रॉफिट और लॉस भी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जैसे परिवर्तन हुए हमारे समाज में, लोग पढ़े लिखे लोग आने लगे, स्किल डेवलपमेंट वाली चीज़ें आने लगी, तो हम धीरे धीरे टेक्सटाइल की तरफ बढ़े, फैब्रिक कॉटन, ये सारी चीज़ें, मतलब हाथ से बनाने वाली चीज़ों को हम लोगों ने मशीन वाली चीज़ों में रिप्लेस किया, ये सारी चीज़ें की। तो कुल मिला के हमने सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस को मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड के साथ एक्सचेंज करने की कोशिश की। तो अब केवल कृषि ही हमारा मेन ऑक्यूपेशन या वोकेशन नहीं रह गया है। इंडस्ट्रीज की स्थापना होने से क्या हुआ, लोगों को जॉब भी मिली है, लोगों में स्किल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट भी आया है, वोकेशनल चीज़ें आई, मतलब ओवरऑल साइंटिफिक टेक्निकल बहुत सारी चीज़ों के परिवर्तन को हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एक बड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, आप इस पॉइंट्स को जो मैंने बोले हैं आप जरूर लिखिएगा, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, स्किल ओरिएंटेड लर्निंग, जहाँ पर हम अपने कौशलों को सीख सकें और सीख कर अपने आप को जॉब मिला सकें, है ना। तो वो क्या होगा, कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन कहलाएगा। अब पॉइंट्स देखते हैं क्या है, हमने इतना इंट्रोडक्शन दिया, होपफुली आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ ट्रांसफॉर्मेशन अवे फ्रॉम द एग्रीकल्चर। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन था, यानी कि पूरी तरीके से रूपांतरण था, कहाँ से, एग्रीकल्चर को उठाकर हम लोगों ने इकोनॉमिकल टूवर्ड्स इकोनॉमिकल बेस्ड ऑन द मास, यानी कि एग्रीकल्चर को हमने किससे कन्वर्ट किया, मास मैनुफैक्चरिंग से, यानी कि हमने क्या कोशिश की, मैनुफैक्चरिंग ऑफ गुड्स की बात की और उसको एग्रीकल्चर से रिप्लेस किया, ये भी क्या हुआ, हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं, हमारा पॉइंट नंबर टू, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विद द इंक्रीज इन द टोटल इनकम लिविंग स्टैंडर्ड इन सोसाइटी। देखिए, आपको पता है कि जब औद्योगिकरण स्थापित होगा तो हमारे यहाँ औद्योगिकरण किससे बेसिकली एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड उससे है कि हम अपनी क्या कर सकते हैं, इनकम को बढ़ा सकते हैं इंडस्ट्री स्थापित करके, इंडस्ट्रियलाइजेशन ला कर। और जब इनकम बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि सोसाइटी में हम रहेंगे तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा होगा, हमारे जीवन जीने की शैली में क्या होगा, परिवर्तन होगा, हम अपने मूल्य को भी ला सकते हैं परिवर्तन करने के लिए, है ना, जो हमारे बिलीफ हैं, जो हमारे ट्रेडिशन है, विश्वास है, उन सबको खत्म कर सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू और एक अच्छा डेमोक्रेटिक सोसाइटी को क्रिएट कर सकते हैं, जहां पे हम अपने स्टैंडर्ड को क्या कर सकते हैं, ऊपर उठा सकते हैं एक अच्छी जॉब लेकर। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, तो नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम बात करते हैं तो पॉइंट नंबर नेक्स्ट है ये आपका, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच एन इकोनॉमी इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम प्राइमरली एग्रीकल्चर टू वन बेस्ड ऑन द मैनुफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड इंडिविजुअल मैनुअल लेबर्स इज ऑफन रिप्लेस्ड बाई द मशीन वन। देखिए, पहले के टाइम पे क्या होता था, चीज़ों को हम हाथ से करते थे तो वहाँ पे टाइम टेकिंग हो जाता था ज़्यादा। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एक तरीके की वो प्रक्रिया है जहाँ पे हमने अपने इकोनॉमी को सुधारने की कोशिश की, किससे, एग्रीकल्चर से उठाकर हम मैनुफैक्चरिंग की तरफ चले गए, मतलब हमने एग्रीकल्चर को रिप्लेस किया मैनुफैक्चरिंग ऑफ गुड्स से और व्यक्तियों को रिप्लेस किया, यानी कि लेबर जो काम करते थे उनको रिप्लेस किया मशीन से। तो ये क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं, द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एंड एग्रीकल्चर इज इंडस्ट्रियल इकोनॉमिकल इज कॉल्ड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। पहला ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ कि एग्रीकल्चर से उठाकर हमने इंडस्ट्री इकोनॉमी की बात की, जिसको हमने क्या बोला, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन या औद्योगिक क्रांति, जो कि कब हुआ था, एंड टूक प्लेस फ्रॉम द 18th अर्ली टू 19th सेंचुरी, यानी कि 18 से 20वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। और ये सबसे पहले कहाँ देखने को मिला था, यूरोप एंड अमेरिका, ठीक है। तो यूरोप एंड अमेरिका में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई 18वीं और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में, ओके, आप इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है हमारा, इट स्टार्टेड इन ग्रेट ब्रिटेन फॉलोड बाय द बेल्जियम स्विट्जरलैंड जर्मनी एंड फ्रांस। ये सबसे पहले ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ था और ब्रिटेन को ही देखकर बेल्जियम स्विट्जरलैंड जर्मनी ने भी इन सब चीज़ों को क्या करी, इंडस्ट्रियलाइजेशन कराने की कोशिश की कि हमारा भी देश क्या हो, इंडस्ट्रियल बेस्ड हो।
ओके, वी कैन मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट. तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा दे रखा है, आप देख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन व टेक्निकल. यानी कि सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर शुरुआत हुई तो अगर हम बात करते तो टेक्निकल प्रोग्रेस थी, जहां से हमने क्या किया, रूरल एरिया को शिफ्ट किया इंडस्ट्रियल एरिया में, और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करके क्या किया, एक इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर बनाया. यानी कि कुल मिला के हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमने जब स्टार्टिंग की थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस ज़्यादा हुई, गांवों को हमने क्या किया, गांवों को कन्वर्ट करके शहरों में कन्वर्ट किया, वहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगाई, वहाँ पे पर्टिकुलर फाइनेंशियल चीज़ों का इन्वेस्टमेंट किया, और इन्वेस्टमेंट करके हमने एक नया इंडस्ट्रियल का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, जिसके थ्रू लोगों को जॉब भी मिली, स्किल भी डेवलप हुई, और उन्होंने काम करने को सीखा. तो ये क्या था, हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्टार्टिंग का प्रोग्रेस था, जो कि टेक्निकल चीज़ों से बेस्ड था, और साइंटिफिक चीज़ों को हमने ऐड करने की कोशिश की. वी कैन मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट. तो नेक्स्ट पॉइंट में हम दे सकते हैं, लेटेस्ट कमेंटेटर्स हैव कॉल्ड दिस द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. मतलब जो लोग वक्ता हैं या जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये इसको वाले इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवोल्यूशन को क्या बोला, पहला औद्योगिक क्रांति बोला, कि ये पहली औद्योगिक क्रांति थी जिसको कहाँ पर हम लोगों ने रिप्लेस किया, टेक्निकल प्रोग्रेस को शिफ्ट किया, ठीक है, और रूरल टू इंडस्ट्रियल एरिया और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट टू द न्यू इंडस्ट्रियल एरिया बनाया. तो ये क्या था आपका, एक तरीके से फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, यानी कि पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो गई थी. नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे देखें. द सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ये क्या लेबल करता है, कि लेबर्स द लेटर चेंजेस दैट केम अबाउट इन द मिड 19th सेंचुरी. जो ये जो चेंजेस हुआ था, ये कब स्टार्ट हुआ था, जब ये मिड 19th सेंचुरी की बात आई थी तब स्टार्ट हुआ था, आफ्टर द रिफाइनमेंट ऑफ द स्टीम इंजन. स्टीम इंजन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये जो स्टीम इंजन का प्रयोग होता कहाँ, क्यों किया गया, सबसे पहले कहाँ गया, तो यहाँ पे इंग्लैंड था, ठीक है. तो इंग्लैंड जो है, आपको पता है इंग्लैंड क्या है, एक आइलैंड है जो समुद्र से घिरा हुआ है, और बीच में ही आइलैंड है. तो इंग्लैंड के पास क्या था, समुद्र था, और समुद्र जो था वो कहीं ना कहीं स्टीम इंजन वहाँ पे बहुत हेल्प किया, किस लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कि उनको भी जो भी सामान, रॉ मटेरियल, गुड्स मटेरियल जो भी करना है, उसका वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर तरीके से करे. तो कुल मिला के अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन की क्रांति की बात करते हैं तो इंग्लैंड हमारा सबसे पहले आता है, और इसकी शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी. क्यों, क्योंकि वहाँ पे डेवलप हुआ था स्टीम इंजन, भाप का इंजन, जिसके थ्रू क्या करते थे, क्योंकि चूंकि वो समुद्र से घिरा हुआ था तो वहाँ पे वो चीज़ें बहुत हेल्पफुल हो जाती थी उनके लिए, कोई भी प्रोडक्ट लाना, इनटेक करना, एक्सपोर्ट करना बहुत इजी हो गया था. तो इसलिए वो सेकेंड क्रांति कहाँ पे आई, आपकी इंग्लैंड में, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का देखिए निर्माण हुआ, स्टीम इंजन, द इन्वेंशन ऑफ द इंटरनल कंबंशन इंजन, फिर हारेसिंग द इलेक्ट्रिसिटी, कंस्ट्रक्शन ऑफ द कनाल्स, रेलवेज एंड इलेक्ट्रिकल पावर, ये सारी चीज़ें अपने आप में क्या हुई, बहुत डेवलप हुई. तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रख सकते हैं, स्टार्टिंग कहाँ से हो गई थी, इंग्लैंड से हो गई थी, सेकेंड औद्योगिक क्रांति की. ओके, वी कैन मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट. तो नेक्स्ट पॉइंट हम देख सकते हैं, पॉइंट नंबर द इन्वेंशन ऑफ द असेंबली लाइव ग्रेसेस, ठीक है, लाइन ग्रीस लाइन, दिस द प्रेसेस बूस्ट, कैनाल माइंस, स्टील वर्कर्स, टेक्सटाइल फैक्ट्रीज, एक्सप्लेन द हॉर्मोन्स ऑफ द वर्क. यानी कि कुल मिला के क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार हुआ. अगर सबसे पहले असेंबली लाइन हुई, ठीक है, उसके बाद की हम लोग चीज़ों को बूस्ट किया गया, फिर कोल माइंस बना, ठीक है, काम मिला लोगों को, स्टील इंजन बनाए, स्टील वर्कर्स आ गए, यानी कि चीज़ों को रिप्लेस किया गया, टेक्सटाइल फैक्ट्रीज पड़ी, उसके बाद जो लोग घर पर काम करते थे उनको रिप्लेस किया गया फैक्ट्रीज के थ्रू, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की स्थापना कर के ये सारी चीज़ें वहाँ पे लाई गई परिवर्तन के तहत. ये सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के तहत की बात थी. चलिए, वी कैन मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट. थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यूजेस इन द इलेक्ट्रॉनिक. पहला आपका क्या था, टेक्निकल था, टेक्निकल प्रोग्रेस था. दूसरा आपका था स्टीम इंजन और ये सारी चीज़ें जो स्टेबलाइज हुई थी, ठीक है. और तीसरा आपका हो गया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जो कि इलेक्ट्रिकल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था, जिसको हम ICT भी बोल सकते हैं, ठीक है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं. इनका यूज़ करके हम लोगों ने क्या किया, बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन स्टार्ट किया जो कि ऑटोमेटेड था. और इसमें हम ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं. एंड द फोर्थ रिवोल्यूशन इज द डिजिटलाइजेशन. तो देखिए, डिजिटलाइजेशन आपको पता है, डिजिटलाइजेशन ने हमको किस तरीके से चेंज कर दिया है आज के डेट में, और हम क्या हो गए, हर चीज़ को घर पे बैठे बैठे आराम से कर सकते हैं, सुन सकते हैं, सोच सकते हैं, अपना वीडियो के थ्रू लोगों को पढ़ा सकते हैं. ये छोड़िए, एजुकेशन के परस्पेक्टिव में तो बहुत अच्छा काम किया. जैसे अभी कोविड की कंडीशन में आपको याद होगा कि अगर ये डिजिटलाइजेशन नहीं होता या डिजिटल रिवोल्यूशन नहीं होता, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, डिजिटल क्रांतिकारी, यानी कि एक तरीके का बूम आ गया था कि हमारे पास एक एंड्रॉइड फोन रहेगा तो उससे हम अपना ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकते हैं, हमको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है. जिस तरीके से कोविड में हमने
वर्क फ्रॉम होम किया, एजुकेशन फ्रॉम होम, टीचिंग फ्रॉम होम, सारी चीज़ें हमने एक छोटे से एंड्रॉयड फ़ोन की वजह से किया। तो उसका भी सबसे बड़ा क्रेडिट किसको जाता है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को जाता है, और उससे भी ज़्यादा आपका डिजिटलाइजेशन, जो कि हमारा भारत आने वाले टाइम में डिजिटल इंडिया कहलाएगा। तो इसके तहत पीएम मोदी ने भी बहुत सारी चीज़ें प्लान की हुई हैं, जो कि आज के डेट में आने वाले टाइम में और भी सक्सेसफुल होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा बूम था, जिसको हम बोल सकते हैं फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आपका डिजिटल रिवॉल्यूशन से हुआ। यानी कि नेट की बात कर सकते हैं, यहाँ पे आईसीटी की बात कर सकते हैं, इंटरनेट की बात कर सकते हैं, टेलीविजन हो गया, आपका टेप रिकॉर्डर हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, दीज आर द टूल फॉर द डिजिटलाइजेशन ऑफ द वैल्यूज। ठीक, ओके, अब हम बात करते हैं, हमने इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको पढ़ाया, उसकी पूरी हिस्ट्री आपको दिया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया, इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड दिया। अभी हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की, इंडस्ट्रियलाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या हो सकते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो दे रखा है यहाँ पे, इकोनॉमिकल ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब यानी कि आर्थिक तौर पे हमारा प्रोग्रेस होना है, तो वो कैसे हो सकता है भाई? हम प्रॉफिट और लॉस की बात कर सकते हैं, है ना, हम बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ की स्थापना कर सकते हैं, स्किल ओरिएंटेड स्किल की बात कर सकते हैं, फिर अपना लिटरेसी रेट बढ़ा सकते हैं। ताकि लिटरेसी रेट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, लोगों को जॉब अच्छी मिलेगी, लोग पढ़े लिखे रहेंगे, और जब पढ़े लिखे लोग रहेंगे तो उनका क्या होगा, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर जो है वो बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को बनाकर क्या कर सकते हैं, हम अपने इकोनॉमिकल ग्रोथ को बहुत अच्छा कर सकते हैं, हम अपने प्रॉफिट लॉस की बात कर सकते हैं। इसके अलावा जितने लोग पढ़े रहेंगे तो उनको अच्छी जॉब भी मिलेगी फ्यूचर में। तो जाहिर से बात है कि हम मैक्सिमम लोग पढ़े लिखे रहेंगे तो हमको डेवलपमेंट करने का तरीका ज़्यादा अच्छे से मिलेगा, और अपने लाइफ के स्टैंडर्ड को ऊंचा उठा सकते हैं थ्रू द एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है मोर इफिशियंट डिवीज़न ऑफ द लेबर। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, लेबर्स के लिए बहुत सारे इफिशियंट काम हो गए, मतलब जिससे जिसको जो काम आता है वो काम वो कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज, टेक्सटाइल, कॉटन मिल इंडस्ट्री, शुगर मिल इंडस्ट्री, ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री हैं, तो लोग अपने डिवीज़न के अकॉर्डिंग अपने काम को कर सकते थे। नेक्स्ट बात की हमने थर्ड वाला, तो थर्ड जो दे रखा है, यूज़ ऑफ टेक्निकल इनोवेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। यानी कि हम लोगों ने छोटी छोटी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, जो काम से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही थी, लेबर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही थी, उसको हम लोगों ने टेक्निकल इनोवेशन के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश की। क्योंकि देखिए, जहाँ एक बंदा हाथ से काम कर रहा है तो वो कम टाइम में ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं बना पाएगा, और इसके अलावा जहाँ मशीन की बात करते हैं तो हम टेक्निकल चीज़ों से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। जो काम पहले हाथ से होता था, अभी वो काम मशीन से होने लगा, तो परफेक्शन, सिंप्लिसिटी और ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से ग्रोथ हुई। ठीक है, नेक्स्ट बात हमने की पॉइंट नंबर 4, तो पॉइंट नंबर 4 हमारा क्या कहता है, देखिए, प्रोडक्शन ऑफ इनएक्सपेंसिव मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन द लार्ज क्वांटिटी। यानी कि क्या हुआ, जो सस्ती चीज़ें थी वो बड़ी क्वांटिटी में बनने लगी, तो उसका सबसे बड़ा क्रेडिट हमारे मशीन्स को जाता था। क्योंकि देखिए, हाथ से काम को करने में टाइम तो जाएगा ही जाएगा, और आप उतना अच्छा सामान नहीं बना सकते, प्लस उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होगी। तो हम लोगों ने इनएक्सपेंसिव मैन्युफैक्चर्ड था, उसको क्या किया, एक लार्ज क्वांटिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश की विद द हेल्प ऑफ दी टेक्निकल इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन प्लस मशीन्स, ये सारी चीज़ें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के थ्रू हो पाना संभव आया। नेक्स्ट पॉइंट है, टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस ऑन द कंडीशन आउटसाइड फ्रॉम द ह्यूमन कंट्रोल। टेक्नोलॉजी पर बंदा तब तक डिपेंडेंट है जब तक उसके पास चीज़ें क्या है, अंडर कंट्रोल है। अगर आउट कंट्रोल नहीं रहेगा, मतलब कुल मिला के बंदे को ये भी सिखाया गया, वर्कर्स को ये भी सिखाया गया, लेबर्स को ये भी सिखाया गया कि आप टेक्निकल डिपेंडेंस होंगे तो आप किस तरीके से अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, अपने काम को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि भाई देखिए, कभी कभी क्या होता है, हमारे पास डिग्री तो बहुत सारी होती है, बट को काम करने का तरीका नहीं आता, स्किल नहीं आती, लेकिन टेक्निकल चीज़ों से क्या होता है, व्यक्ति आगे सीखता है और सीखकर अपना डेवलपमेंट करता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट कंटेंट। फिर अब हम बात करते हैं डेफिनेशन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है, किसकी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की या औद्योगिकरण की। तो सिंपल सी डेफिनेशन देखेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज डेवलप फ्रॉम विद इन द प्री डोमिनेंटली एग्रीगेरियन सोसाइटी। जैसे मैंने आपको बात की कि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, एक तरह की प्रक्रिया है जहाँ पे हमने एग्रीकल्चर को किससे रिप्लेस किया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से, और जो हमारा एग्रीगेरियन सोसाइटी था उसको हमने डेवलप करा के मॉडर्न सोसाइटी की तरफ कन्वर्ट किया, यानी कि ट्रेडिशनल काइंड ऑफ सोसाइटी को कन्वर्ट किया मॉडर्नाइजेशन की तरफ और मॉडर्न सोसाइटी बनाया। ये भी क्या था, एक तरीका था इंडस्ट्रियलाइजेशन का। दूसरी डेफिनेशन देख सकते हैं हम, दूसरी डेफिनेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ सोशल इकोनॉमिकल चेंज वेयर इज द सोसाइटी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी इनटू द एंड इंडस्ट्रियल वन। कुल मिला के हम यहाँ पे ये बात कर सकते हैं कि औद्योगिकरण एक तरीके की प्रक्रिया थी जिसने सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे अपने आप को चेंज किया, और हमने अपनी सोसाइटी का रूपांतरण एक पहले से जो बनी हुई थी इंडस्ट्रियल सोसाइटी उसको चेंज करके एक बड़े औद्योगिकरण में, यानी कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्थापना करके किया। तो ये थी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी।
अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट कंटेंट। तो नेक्स्ट कंटेंट में देखने में लिख सकते हैं कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्या कारण हो सकते हैं औद्योगिकरण के। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इन पॉइंट्स को फटाफट देख सकते हैं। पहला पॉइंट है रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। जैसे कि आपको पता है कि पॉपुलेशन जो बढ़ रही है डे बाई डे, है ना, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे एट अलार्मिंग रेट। मतलब डे बाई डे पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं अलार्मिंग रेट भी है हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन का। देखिए पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोगों को जॉब की जरूरत ज़्यादा होगी, जो कि आज की डेट में नहीं मिल रही है। दूसरा पॉइंट देख सकते हैं हम, एज अ रिजल्ट ऑफ विच डिमांड्स ऑफ गुड इंक्रीजेज अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेज दस द ड्रॉ इज द टूवर्ड्स द इंडस्ट्रियलाइजेशन। यानी कि अगर हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे तो इस पॉइंट में हम ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जो गुड्स है यानी कि जो सामान है उसका डिमांड अंडरस्टूड बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और जब सामान की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो बेरोजगारी भी लोग बढ़ेंगे तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी, और ये कहीं ना कहीं किसके लिए रहेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए क्या हो सकता है, एक तरीके से घातक हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर टू में हमारा है राइज इन द डिमांड ऑफ गुड्स, यानी कि जो हमारा सामान है उसका हमको ज़्यादा डिमांड होगा। क्यों? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। तो द डिमांड्स ऑफ गुड्स वर पुश्ड अप विच वॉज बियॉन्ड द कैपेबिलिटी ऑफ द डोमेस्टिक सिस्टम एंड द कुड नेट बी द थ्रू द मशीन। यानी कि कुल मिला के जो सामान की सप्लाई है, देखिए लोग बढ़ेंगे तो सामान की सप्लाई ज़्यादा बढ़ेगी, गुड्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, और रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी तो वहाँ पे लोगों को काम करने के लिए ज़्यादा बंदे चाहिए होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये किसको पुश करेगा कि हमारी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, मान लीजिए जब हमारी कैपेसिटी केवल एक दिन में अगर हम घर पे अपने हाथ से काम करते हैं तो केवल 10 कपड़े बना सकते हैं, लेकिन वही कपड़े को मशीन एक घंटे में हजारों कपड़े बना देगी, लाखों कपड़े बना देगी, तो यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने अपने हाथों को यानी डोमेस्टिक सिस्टम को रिप्लेस किया, कहाँ से, मशीन के थ्रू रिप्लेस किया, और हमने अपना जो डिमांड ऑफ गुड्स था उसको बहुत बढ़ाया थ्रू द इंडस्ट्रियलाइजेशन। पॉइंट नंबर 3, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी जो कि आज की डेट में हमारे देश में बनी हुई है और बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। विद इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो प्रॉब्लम आएगी किसकी, बेरोजगारी की, है ना। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब तो अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो अराउज बिफोर अस, दिस ऑल्सो लेड द टूवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन एज इंडस्ट्रीज जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। यानी कि कुल मिला के एक चीज़ हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब बेरोजगारी, यानी कि अगर इंडस्ट्री ज़्यादा बढ़ेंगी तो क्या होगा, लोगों को मैक्सिमम जॉब मिलेगी, तो थोड़ा सा जो एम्प्लॉयमेंट वाला पोर्शन है, बेरोजगारी वाला पोर्शन है, उसको हम खत्म करके क्या कर सकते हैं, एक लोगों को नई अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कंपनी में काम करने के लिए। जैसे गांव के लोग अगर वहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, टेक्निकल चीज़ें नहीं है, तो वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं बन पाएगी, बट एक लैंड एरिया पे अगर हम सिटी की तरफ जाएंगे तो आपको मैक्सिमम इंडस्ट्री मिलेगी। यानी तो जब मैक्सिमम इंडस्ट्री मिलेगी तो आपको उस इंडस्ट्री में जॉब भी मिलेगी, और उस जॉब को करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, अपने अंदर स्किल डेवलप करा सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, और करके बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। ये भी पार्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स में द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स मीन्स अ लॉट। देखिए पहले क्या होता था कि ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारा लार्ज नंबर में बना रहे हैं तो प्रोडक्ट खराब बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बहुत मैटर करती थी। प्रोडक्ट्स परफॉर्म्ड फ्रॉम मशीन आर ऑफ अ स्टैंडर्डाइज क्वालिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दैट इज टू इंक्रीज। मतलब मशीन का मतलब क्या हुआ, मशीन तो यहाँ पर ये हुआ ना कि हम दोनों चीज़ों में बात करने लगे, दोनों चीज़ों में बात करेंगे मतलब तो क्वालिटी और क्वांटिटी की भी, यानी कि दोनों की बात पे जोर करेंगे। तो मशीन से जो प्रोजेक्ट हम बनाएं प्रोडक्ट बनाएंगे उनकी क्वालिटी ज़्यादा होगी, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, और वो कम टाइम में क्या होगा, ज़्यादा प्रोडक्ट को बना सकेंगे, और प्रोडक्ट को कैसे कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ घर पे काम करना। हैंडीक्राफ्ट के काम की अपेक्षा अगर हम मशीन के थ्रू चीज़ों को करेंगे तो वो क्या होगा, कम टाइम में बहुत सारी चीज़ों को हम एक साथ कर सकते हैं, और वहाँ पर उसकी क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी होगी और क्वांटिटी तो आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्ट कैन बी फाइंड इन चीपर रेट्स टू एज कम्पेयर टू द डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी कि मशीनों के द्वारा जो प्रोडक्ट बनेंगे वो सस्ते भी हो जाएंगे हमारे घर के प्रोडक्ट की अपेक्षा, आप इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है वी कैन देयरफॉर से दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी। देखिए हम ये कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो हमारा औद्योगिकरण है, वो दोनों तरीके की चीज़ों को ला सकता है, ला रहा है, पॉजिटिविटी भी ला रहा है और निगेटिविटी भी ला रहा है। पॉजिटिविटी कैसे ला रहा है, बहुत सारे इंडस्ट्री बना के लोगों को जॉब दे रहा है तो लोग जॉब कर रहे हैं और जॉब के लिए क्या पढ़ाई भी कर रहे हैं। लेकिन निगेटिविटी ये है कि इंडस्ट्री की स्थापना होने से मैक्सिमम, जैसे हमारे घर के आसपास कोई बड़ी सी इंडस्ट्री होती है तो हमारे घर के पास पोल्यूशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इस तरह की चीज़ें क्या हो सकती हैं, नेगेटिव पर्सपेक्टिव में भी ले सकती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, नेक्स्ट पॉइंट में दे रखा है
इन वन हैंड इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मैट, यानी कि एक हाथ की तरफ तो क्या होता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो एम्प्लॉयमेंट है उसको बढ़ावा दे रहा प्रोडक्शन ऑफ मीट, डिमांड जैसा डिमांड हो रहा है वैसा हम लेबर से या स्टाफ से काम करवा रहे हैं और अच्छा काम करके क्या कर रहे हैं, हम अपनी स्किल को डेवलप कर रहे हैं और जब हमारा स्किल डेवलपमेंट होगा, हमारा पढ़े लिखे होंगे तो हमारा लाइफ जीने का तरीका, लाइफ स्टाइल ये चीज़ें क्या होंगी, बहुत ही डेवलप होंगी। पहले हम गांव में निवास करते थे तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन हम शहर में आए, हम एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और काम के थ्रू अपने लाइफ स्टाइल को ऊपर लेके जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम बात करेंगे तो इट इज़ डायरेक्टली अफेक्टेड देयर लैंड एंड द मेकिंग इट अनफिट फॉर द एग्रीकल्चर, यानी कि जिस जगह पे हमने इंडस्ट्री डाल दी है तो जाहिर से बात है कि जो वहाँ का लैंड होगा वो खेती के लिए क्या होगा, अनफिट हो जाएगा, वो उपयोगी नहीं होगा। तो ये भी क्या हो सकता है, एक निगेटिविटी आ गई कि अगर सारी धरती को हम केवल इंडस्ट्री को बनाने के लिए यूज़ करेंगे तो फिर हम एग्रीकल्चर के थ्रू जो हमारा खाना पीना होता है वो हम कहाँ से लेकर आएंगे। ठीक है, फिर दस अ ग्रेट थ्रेट रूल हो रहा है, और जिसने इंडस्ट्री की स्थापना होने से क्या हुआ, जो हमारी रूरल लाइफ है वो काफ़ी इफेक्टेड हुई है। ओके, वी कैन मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमारा है इन्फ्लुएंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन एजुकेशन, कि शिक्षा पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या प्रभाव है, फटाफट पढ़ते हैं इसको। तो सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, establishment of many industries in order to increase the social and economical status of a nation, यानी कि एक नेशन की प्रोग्रेस तभी कर सकती है जब वहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या हो, इंडस्ट्रीज हो, अर्बनाइजेशन हो, टाउन का हमने अर्बनाइजेशन किया और यहाँ पे मेजर टूल हमारा क्या रहा, एजुकेशनल रहा है ना, ये सारी चीज़ें रही। तो एक नेशन में नेशन की इकोनॉमिकल और सोशल ग्रोथ तभी अच्छी हो सकती है जब वहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज होंगी चीज़ों को बढ़ाने के लिए, ताकि लोग मैक्सिमम लोग जॉब करें और जॉब करके अच्छी अर्निंग करें और अर्निंग करके देश के इकोनॉमिकल प्रस्पेक्टिव में हेल्प करें। मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पे जीके कुछ पॉइंट्स हैं तो आप इस पॉइंट को देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे छोटा सा फ्लो चार्ट के थ्रू बनाया तो उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ओके, तो यहाँ पे है इन्फ्लुएंस ऑन एजुकेशन, शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़ा, हम इस प्रस्पेक्टिव में काम कर लेते हैं। तो सबसे एम्स ऑफ एजुकेशन, तो अभी हमारा शिक्षा का उद्देश्य क्या हो गया, केवल स्किल डेवलपमेंट की बात करेंगे, स्किल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो हमको जॉब वाली चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी, जैसे वोकेशनल कोर्स की बात कर सकते हैं, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज की बात कर सकते हैं। नेक्स्ट हो सकता है हमारा करिकुलम प्लानिंग, करिकुलम प्लानिंग में क्या हो सकता है, अपडेटिंग एंड स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज, हमको ऐसे स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज को ऑर्गेनाइज कराना चाहिए स्कूलों के थ्रू, ताकि लोग क्या हो, करिकुलम में इन सब चीज़ों को हमको इन्वॉल्व करना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर स्किल बेस्ड करिकुलम हमारा नहीं होगा तो उस करिकुलम को पढ़ने का हमारा क्या यूज़ होगा फर्दर फ्यूचर में, इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमारा देखिए क्या है, तीन चीज़ें हैं, इन तीन चीज़ों को हम एक साथ पढ़ेंगे। टीचिंग क्या है, लर्निंग स्ट्रेटजीज एक्सपेरिमेंटेशन, बच्चे को जो टीचिंग दी जाती है वो आज की कंटेक्स्ट में बहुत अच्छी दी जाती है, हर लर्निंग स्ट्रेटजीज को बताया जाता है और बच्चों से प्रैक्टिकल ज़्यादा कराया जाता है इन कंपेरिजन टू द थ्योरी। ईवेल्युएशन का मतलब आपका ऑब्जेक्टिव ईवेल्युएशन या इंटरेंसिंग या इंटरेस्टेड, तो ये सारी चीज़ें जो ईवेल्युएशन सिस्टम है इसमें हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा परिवर्तन लाने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, पहले जो ईवेल्युएशन होता था वो काफी ट्रेडिशनल काइंड ऑफ इवैल्यूएशन होता था, जहां पे बच्चा एग्जाम बर्डन जो देता था, एग्जाम देता था वो काफी प्रेशर में आकर देता था, क्योंकि उसको 3 घंटे का जो एग्जाम देना रहता था उससे बच्चा बोर हो जाता था। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने थोड़ा सा इवैल्यूएशन में अपनी ऑब्जेक्टिविटी लाई है और बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाई को करने की कोशिश की है। तो इवैल्यूएशन सिस्टम अगर हम चेंज करेंगे, जैसे ग्रेड सिस्टम आ गया, तो ये भी क्या एक पार्ट है इवैल्यूएशन का। ग्रेडिंग सिस्टम के तहत ये है कि हम बच्चों को फेल नहीं करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इंक्रीज इन लिटरेसी रेट टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, और क्या किया है हम लोगों ने, अपने जो इंस्टीट्यूशन है हमारे वहाँ पर टेक्निकल चीज़ों की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई, जैसे बीटेक के कोर्सेज हो गए, बीटेक हो गया, एमटेक हो गया, इंजीनियरिंग के कोर्सेज हो गए, ये क्या होते हैं, स्किल टेक्निकल बेस्ड कोर्सेज होते हैं, जो कि बच्चे ने डिग्री कंप्लीट करके निकला कि नहीं उसको फटाक से जॉब मिल जाती है, क्योंकि इंडस्ट्रीज वालों को टेक्निकल स्किल वाले बंदे ज़्यादा चाहिए होते हैं रादर देन द रेमिस्टिंग जनरल कोर्सेज। तो इन्वेंशन इनोवेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और ये सारी चीज़ें जो पॉसिबल हैं कुल मिला के साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पॉसिबल है। तो ये भी क्या था, आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन का पार्ट्स था। चलिए, अब हम इसी के कंटेक्स्ट में डेमोक्रेसी में थोड़ा सा देखते हैं, डेमोक्रेसी क्या है। तो डेमोक्रेसी पे आप पहले भी पढ़ चुके हैं थोड़ी सी चीज़ें, अभी यहाँ पे देखते हैं। तो डेमोक्रेसी में कुछ चीज़ों को करेंगे हम, यहाँ पे एक सिंपल सा आपको चार्ट दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, इतना देखते हैं, चलिए इतना दिखाई देगा। तो ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी दो ग्रीक वर्ड से बना है। पहला वर्ड जो है आपका डेमोस है, ठीक है, और दूसरा वर्ड है आपका क्रेटिस। डेमोस का मतलब आपका पीपल हुआ, क्रेटिस का मतलब आपका रूल हुआ या पावर हुआ। तो दोनों को मिलाकर हमने क्या बनाया, पावर ऑफ द पीपल। यानी कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं पावर ऑफ द पीपल की बात करती है, यानी कि जनता का शासन या जनता का नियम, उसी को हम डेमोक्रेसी बोलेंगे।
डेमोक्रेसी क्या है? एक तरीके से सिस्टम है, किसके लिए? पॉलिटिकल डिसीजंस के लिए, रूल्स के लिए, नियम बनाने के लिए, प्रिंसिपल बनाने के लिए. तो हम आज की डेट में क्या है, डेमोक्रेटिक काइंड ऑफ थिंकिंग रखते हैं, चीज़ों को सोचने के लिए फ्री हैं हम लोकतंत्र से बिलोंग करते हैं. हमारा इंडिया भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसके माध्यम से क्या है, हम अपनी चीज़ों को करने के लिए फ्री हैं, स्वतंत्र हैं. हमारे ऊपर कुछ भी, यानी कि जैसा हम चाहेंगे वैसा हम कर सकते हैं, हम पे कोई बर्डन नहीं डालेगा. ओके, चलिए यहाँ पे कुछ चीज़ें देखते हैं हम. तो कुछ चीज़ों में हमारा है डेमोक्रेसी, तो यहाँ पे तीन मैंने लिखा रखा है, 1, 2, 3. पहला लिख रखा है पॉपुलर सोवरेनिटी, ये भी क्या है, डेमोक्रेसी का एक पार्ट है. डायरेक्ट पार्टिसिपेटी, ये भी डेमोक्रेसी का एक पार्ट है. और तीसरा है हमारा रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ रूल. तो ये क्या है, तीनों डेमोक्रेसी है ये पार्ट, आप इनको देख सकते हैं. ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट. तो यहाँ पे नेक्स्ट जो दे रखा है वो डेफिनेशन दे रखा है. डेफिनेशन किसकी है, अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन है. और उनका कहना है द पावर ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल फॉर द पीपुल, यानी कि जनता का शासन जनता के द्वारा और जनता के लिए. यहाँ पे यानी कि सब कुछ कौन होगा, ओवरऑल कौन होगा, जनता, यानी कि पब्लिक, यानी कि हम. तो हम जैसी सरकार चाहेंगे वैसी सरकार बना सकते हैं, क्योंकि बिकॉज वी आर लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री जिससे इंडिया. नाउ अब यहाँ पे दो डेफिनेशन है, इन दोनों डेफिनेशन को समझते हैं. तो पहली डेफिनेशन देखिए किसकी है, बाय जॉन सैली की है. तो अ गवर्नमेंट इन विच एवरीवन हैज़ अ शेयर, मतलब इनके हिसाब से कहना क्या होता है कि एक ऐसी सरकार जिसमें क्या हो, सबका बराबर क्या हो, कंट्रीब्यूशन हो या शेयरिंग हो. यानी कि हम ऐसी सरकार चाहते हैं जिसमें हम जनता का क्या हो, इक्वली कंट्रीब्यूशन हो. ठीक है, नेक्स्ट वाली डेफिनेशन है सी बी मैकफेरसन. ठीक है, तो सी बी मैकफेरसन का क्या कहना है डेमोक्रेसी को लेकर, अरे सॉरी उसको डेमोक्रेसी को लेके. तो आप ये देख सकते हैं, डेमोक्रेसी इज मेयरली मैकेनिज्म फॉर चूजिंग एंड ऑथराइजिंग गवर्नमेंट और इन सम अदर वे गेटिंग लॉज एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेड. मतलब इनके कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि जो लोकतंत्र सरकार है तो हम सभी को चूज करने का अधिकार है. ठीक है, और किसी भी तरीके से हम जो भी चूज करेंगे वो क्या होगा, वहाँ पे कानून हमको हेल्प करेगी, पॉलिटिकल चीज़ें हमको हेल्प करेंगे. मान लीजिए हमको कोई नियम बनाना है, हमको कोई रेगुलेशन बनाना है, तो हम एक सिस्टम के तहत, यानी कि कौन सा सिस्टम, डेमोक्रेसी सिस्टम के तहत क्या कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं. ठीक है, तो ये डेफिनेशन थी, मैंने आपको बता दी. चलिए अभी हम बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी. तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है डेमोक्रेसी का, जैसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ टॉलरेंस, यानी कि सहिष्णुता का सिद्धांत. तो जो हमारी लाइफ है वो कहीं ना कहीं आइडिया पे बेस्ड है. आपको पता है कि हमको सभी के साथ क्या टॉलरेंस करके रहना है, सहिष्णुता के भाव को रखना है अपने अंदर. नंबर टू पे है इंडिविजुअल राइट्स. इंडिविजुअल राइट्स का मतलब कि हमारा जो व्यक्तिगत अधिकार है वो हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी से बिलोंग करते हैं और डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं. तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको पावर दी है, हम अपने व्यक्तिगत अधिकारों का यूज कर सकते हैं. जैसे आपको पता भी है कि हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जिनका हम यूज करते हैं. फिर रूल ऑफ लॉ. रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि ओबे द लॉ, जो भी कानून बनेगा वो क्या होगा, सभी के लिए इक्वल होगा. जैसे यहाँ पे हम बात कर सकते हैं आर्टिकल 19 की, कि आर्टिकल 19 क्या कहता है कि हम किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं किए जाएंगे हमारे कलर के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, या जेंडर के बेसिस पे, मेल और फीमेल के बेसिस पे, और ये सारी चीज़ें. तो रूल ऑफ लॉ है वो सभी के लिए क्या बनेगा, इक्वली बनाने की कोशिश करेगा थ्रू द डेमोक्रेसी. बट नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल. प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल में हम बात कर सकते हैं कि जो मेजर रूल है, जो बड़े रूल है, जैसे यहां पे हम बात कर सकते हैं माइनॉरिटीज़ की. तो माइनॉरिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन पावर दिया है कि वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को कर सकते हैं. हम किसी उनको माइनॉरिटी के बेसिस पे क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे. तो उसी तरीके से नियम बने हुए हैं जिसको, जिससे क्या हो, किसी भी बंदे को अहित ना हो. तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसे आर्टिकल, ऐसे अनुच्छेद, ऐसे अधिकार आपको दिए हैं ताकि किसी का भी क्या हो, अहित ना हो. नेक्स्ट हमारा है यूनिवर्सल सफरेज. यहाँ पे बोल सकते हैं जो यूनिवर्सल सफरेज एक तरीके के कॉमन सफरेज है. जैसे हमको बोलने का अधिकार है, वॉक करने का अधिकार है, टॉक करने का अधिकार है, राइट टू प्लेस, राइट टू वर्क, राइट टू वॉक, राइट टू टॉक, मतलब ये सारी चीज़ें हमको करने के लिए सभी ने दी है. इसके लिए हमको कोई नहीं मना करेगा. हम कहीं भी रहेंगे, भारत के नागरिक हैं, तो वहाँ रहकर जॉब कर सकते हैं, अपनी अपनी लाइफ को हेल्दी तरीके से जी सकते हैं. इसके अलावा जब वहाँ पर रहेंगे, जॉब करेंगे, तो अपना घर भी बना सकते हैं. ये सारी चीज़ें भी हमको मिली हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के तहत. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वेलफेयर ऑफ ऑल. वेलफेयर ऑफ मतलब क्या, कल्याणकारी की बात करें. जैसे DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. स्टेट पॉलिसी ने भी कुछ ऐसे रूल बना रखे हैं जो जहाँ पे क्या होगा, सबका कल्याण होगा. तो यहाँ पे हम DPSP के जो आर्टिकल्स हैं उनकी हम बात कर सकते हैं. जैसे गांधीजम प्रिंसिपल था, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल था, लाइबरल प्रिंसिपल था, इनको भी कंसिडर कर सकते हैं. तो ये हम लोगों ने पढ़ा बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी.
ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा है प्रिंसिपल ऑफ कंसोनेंट। प्रिंसिपल ऑफ कंसोनेंट का मतलब है कि चीज़ें क्या होंगी, फिक्स रहेंगी सभी के लिए, ठीक है, किसी कोई भी कानून के समक्ष बराबर नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है गारंटी ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज, जो हमारे मौलिक अधिकार है, जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, भारत आपको उस चीज़ की गारंटी देता है कि ये आपके क्या रहेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर रहेंगे जिसमें हम कभी भी परिवर्तन नहीं चाहेंगे, हम अपने अधिकार का सदुपयोग हमेशा करेंगे। अब यहाँ देख लेते हैं क्या है टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी में पहला दे रखा है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दूसरा दे रखा है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट का मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं, डायरेक्ट को हम प्योर डेमोक्रेसी भी बोल सकते हैं और इनडायरेक्ट को हम रिप्रेजेंटेटिव काइंड ऑफ डेमोक्रेसी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इसको कि क्या है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में देखिए क्या दे रखा है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में दे रखा है जिसको हमने बोला कि हम प्योर डेमोक्रेसी की बात करेंगे, तो इन अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी ऑल द पीपल एजेंबल एट वन प्लेस वन डिसाइड मैटर्स एंड कंसर्न देम। यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम क्या बात करेंगे, हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ये बात करेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, जो भी होगा, जो भी मान लीजिए कोई नियम बनाना है, ठीक है, जैसे कोई प्रिंसिपल बनाना है या कुछ लॉ बनाना है, कोई बिल पास कराना है, तो जनता यहाँ पे काम कर सकती है। यानी कि ऑल द पीपल एजेंबल, यहाँ पे सारे लोग एक साथ इकट्ठा होकर एक जगह पे डिसाइड कर सकते हैं कि उस मैटर का कंसर्न हमको कैसे कर सकते हैं या कैसे निभा सकते हैं या क्या नियम बनाया जा सकता है। तो ये क्या है, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी है ना। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, कोई भी नया नियम बनाना होगा तो सभी जनता लोग इकट्ठे हो जाएंगे, पीपल लोग इकट्ठे हो जाएंगे एक जगह पे एक सर्टेन टाइम पे, और वहाँ पे आपस में मिलकर वो डिसाइड कर लेंगे कि हाँ ये क्या हमको इस नियम के तहत क्या बिल पास करना है, क्या करनी है, सारी चीज़ें आती हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंतर्गत। इसमें बात कर सकते हैं इन स्मॉल सिटी स्टेट इन एंशियंट ग्रीस, है ना, द अडल्ट मेल सिटीजन्स वर एक्सपेक्टेड मेन द टुगेदर इन द असेंबली एंड डिसाइड द इंपॉर्टेंट इशूज ऑफ द बॉडी और डे। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, ये जो डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो होगा ना, वो बिग एरिया में नहीं होगा, है ना। आप जैसे बोलेंगे हमारे इंडिया में क्यों नहीं है, तो हमारे इंडिया में सबसे बड़ा रीज़न है पॉपुलेशन। हमारे इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी को अलाउ नहीं कर सकते। और यहाँ पे क्या हो, अलाउ क्यों नहीं कर सकते, देखिए डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, हमारे भारत में हम किसी भी सीएम को पीएम को कुछ भी चूज़ करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हमारा मन कर रहा है तो हम जाकर चूज़ कर लेते हैं, प्रॉपर उसका क्या होता है, वोटिंग के थ्रू सेलेक्शन करते हैं तो हम करते हैं। तो इसलिए ये छोटे एरिया पे होगा, जैसे ग्रीस, तो ग्रीस के एथेंस में स्टार्ट हुई थी ये सबसे पहले कौन सी डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे ये सभी लोग इकट्ठा होकर मिलते थे, जितने भी नागरिक रहते थे इस जगह पे, और जो भी उनका इशू होता था, जो भी उनका प्रॉब्लम होता था, उसको वो सॉल्व करने की कोशिश करते थे, ठीक है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी आपको समझ में आ गया होगा, जिसको हम प्योर डेमोक्रेसी भी बोलेंगे। यहाँ पे दो तीन चीज़ें और देख लीजिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में दो पॉइंट्स हैं, इसको मैं खत्म करके फिर नेक्स्ट वाले पे आऊँगी। तो यहाँ पे है टुडे वी फाइंड द ग्रेट एग्जांपल ऑफ द डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज द स्विट्जरलैंड। यानी कि स्विट्जरलैंड में आपको क्या डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिल सकती है। क्या होगा स्विट्जरलैंड में, वो लोग डायरेक्ट नियम बनाएंगे, कौन, पीपल लोग, जनता लोग, कहीं पे भी एक जगह इकट्ठा होकर, ठीक है। द मेन फीचर ऑफ द डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज द स्विट्जरलैंड रिप्रेजेंटेटिव इनिशिएटिव एंड रिकॉल। उनको जब भी जरूरत होगा, कोई भी इशू होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा, तो क्या करेंगे, वो कोशिश करेंगे उसको फटाक से सॉल्व करने के लिए, और वो सॉल्व करने के लिए पीपल को, जनता को बुलाकर कॉल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये बात की। चलिए अब हमने टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी में दो चीज़ें, डेमोक्रेसी में दो चीज़ें पढ़ी थी ना, तो दूसरा हमारा क्या है, नंबर टू वाला अगर हम बात करते हैं तो हमारा है इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट को हम रिप्रेजेंटेटिव काइंड ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमको कोई पीएम चूज़ करना है, ठीक है, या हमको सीएम चूज़ करना है, तो हम डायरेक्ट जाकर तो चूज़ नहीं कर सकते ना, हम कैसे चूज़ करेंगे, थ्रू द वोट। जो हम वोट डालेंगे तो वोट के थ्रू जो भी हमारा प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा वो करेंगे। यानी कि हमको अगर किसी को चूज़ करना होगा तो हमको कोई रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, जैसे एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इनके थ्रू चीज़ों को चूज़ कर सकते हैं। ये क्या करेंगे, एक नियम बनाएंगे, नियम के तहत प्रॉपर चीज़ों को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट जनता काम नहीं करेगी, ठीक है, जनता उस काम को करवाने के लिए किसका यूज़ करेगी, रिप्रेजेंटेटिव का करेगी। तो इसलिए इस इनडायरेक्ट वाले डेमोक्रेसी को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव काइंड ऑफ डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि है क्या बेसिकली ये। तो यहाँ पे लिख रखा है, देखिए, इन रिप्रेजेंटेटिव वो ओवर और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव बाय द यूजिंग राइट ऑफ फॉर। यहाँ पे हम वोट देकर अपनी चीज़ों को सॉल्व करा सकते हैं, जैसे सोशल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर या इकोनॉमिकल जो भी प्रॉब्लम है हमको, तो हम इन रिप्रेजेंटेटिव को कलेक्ट कर सकते हैं और अपने आइडियाज़ को दे सकते हैं और वो चीज़ों को चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। ये है आपका इनडायरेक्ट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी। वोट देकर हम क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं अपना नेता, पीएम, सीएम, जो भी चूज़ करना है आपको हमारा, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं, उसी में एक पॉइंट और रह गया था, आप इस पॉइंट को देख लीजिए, फिर हम आगे वाले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें क्या है हमारा,
representative are from the government, and the government is run on the behalf of the people who do not have the direct share in it. Citizens only control the government through the periodic election. यानी कि कुल मिला के यहाँ पे अगर हम मान लो इंडिया में पार्लियामेंट्री डॉक्यूमेंट्री है, डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री काइंड ऑफ ट्रेन में, कि आपको पता है कि भारत में हमारा देश कौन चलाता है, पूरे देश को हमारा प्राइम मिनिस्टर यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी अगर चला रहे हैं तो उनके पास पावर है. तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली हम उनको चूज कर लेंगे. हमने उनको कैसे चूज किया, इलेक्शन के थ्रू. बाकायदा गवर्नमेंट ने जो इलेक्शन कराया सारी जगहों पे, अलग अलग जगह पे जहां भी सीटें खाली होंगी उनको इलेक्शन लड़वाएंगे. इलेक्शन लड़वा के वो क्या करेंगे, अपने उम्मीदवार को चूज करेंगे. तो यहाँ पे हमने रिप्रेजेंटेटिव का यूज किया है ना, एक तरीके से पार्लियामेंट की भी हेल्प ली और गवर्नमेंट के रूल और नियम के अनुसार जो भी जब भी इलेक्शन का टाइम होता है, इलेक्शन होता है और हम अपने वोट के अकॉर्डिंग, हमारे जो वोट होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट कैसी बनेगी. ठीक है, तो ये है इसका एग्जाम्पल. आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया है ना, इंडिया की बात कर सकते हैं यहाँ पे और इंग्लैंड की बात कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, इनडायरेक्ट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी. और डायरेक्ट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी में हमने स्विट्जरलैंड को पढ़ा था, तो ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा. ओके, यहाँ पे हमारा एक बड़ा टॉपिक कंप्लीट किया हम लोगों ने. अब उसी से रिलेटेड थोड़ा सा ये टॉपिक था हमारा, इन्फ्लुएंसेस ऑफ इंडिविजुअल ऑटोनॉमी एंड रीजनिंग ऑन द एजुकेशन. यानी कि यहाँ पे हमको किसका प्रभाव देखना है, व्यक्तिगत स्वायत्तता देखनी है और रीजंस क्या हैं शिक्षा पे ये देखने, इसके बारे में हम बात करेंगे. ठीक है, तो चलिए इसको डिटेल करते हैं क्या है ये. देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑटोनॉमी क्या है. तो देखिए ऑटोनॉमी क्या कहती है, ऑटोनॉमी जो है उसकी ओरिजिन ग्रीक ओरिजिन है, जिसका मतलब होता है आप देख सकते हैं सेल्फ मीन्स द नॉर्म्स. नॉर्म्स का मतलब क्या होता है, रूल. यानी कि जो हमने, ऑटो का मतलब खुद होता है, सेल्फ होता है, आपको पता ही है. अगर हम ऑटो को दो ग्रुप में ब्रेक कर देंगे तो आप देख सकते हैं कैसे. देखिए ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ हो गया. ठीक है, यानी कि जो चीज़ें हम खुद से करेंगे. और नॉमी का मतलब कोई भी नियम या रूल हो गया, यानी कि जो नियम हम खुद से बनाएंगे, खुद के लिए बनाएंगे, वो क्या कहलाएगा, हमारा ऑटोनॉमी कहलाएगा. तो ये क्या है, बेसिकली ग्रीक ओरिजिन है, इसको आप ध्यान रखिएगा. चलिए इसी में, और देखिए ऑटोनॉमी का मतलब है, अगर हम ऑटोनॉमी को थोड़ा सा और डिफाइन करेंगे तो जैसे हमको, जैसे मान लीजिए हम किस तरीके से जीना चाहते हैं, किस तरीके से काम करना चाहते हैं, हम चीज़ों को करने के लिए फ्री हैं, पढ़ने के लिए, रिसर्च करने के लिए, अपने आचार विचार, बोलना लिखना पढ़ना, सारी चीज़ें क्या है अपने अकॉर्डिंग करते हैं ना. ठीक है, और अपने अकॉर्डिंग करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम किसी इलीगल तरीके से करते हैं या हम कानून के दायरे से बाहर चले जाते हैं, तो नहीं. ऑटोनॉमी क्या है, एक तरीके से हमको कैसे जीना है लाइफ को, कैसे काम करना है, कैसे बोलना है, कैसे लिखना है, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, कहीं भी रहकर हमको जॉब करने का अधिकार होता है, बिना किसी शोषण का, बिना किसी, हम बोल सकते हैं क्या, एक कानून के अंदर रहकर. यानी कि ना तो हम अपना शोषण करवाएंगे, ना अपना शोषण होने देंगे, हम हर डिसीजन को लेने के लिए क्या है, इंडिविजुअल फ्री हैं. यही है हमारी इंडिविजुअल ऑटोनॉमी. निर्णय लेने का अधिकार भी क्या होगा, हमको खुद को होगा, कोई और हमारा डिसीजन नहीं लेगा. हमको कुछ भी पढ़ना होगा तो वो हम क्या करेंगे, खुद से करेंगे. हमारा जैसा काम करने की इच्छा होगी उसके लिए भी हम क्या हैं, स्वतंत्र हैं, अपने विचार प्रकट करने के लिए स्वतंत्र हैं. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम ध्यान रख सकते हैं. कोई भी एक्टिविटी हो गया, स्पीक हो गया, किसी भी चीज़ का प्रचार प्रसार हो गया, अभिव्यक्ति, जैसे अभिव्यक्ति की बात कर सकते हैं तो उसमें आर्टिकल 19 की बात कर सकते हैं. आर्टिकल 19 वो हमको हर तरह से बोलने की आज़ादी देती है. ठीक है, तो इंडिविजुअल ऑटोनॉमी आपको समझ में आया होगा, फिर भी एक बार पढ़ देती हूँ मैं. सेल्फ गवर्नेंस ऑफ द इंडिविजुअल इन विच द गिव हिमसेल्फ हिज ओन लॉ. देखिए हर व्यक्ति का क्या होता है, अपना प्रॉपर नियम होता है, प्रॉपर तरीके होता है और प्रॉपर प्रिंसिपल होता है. तो शिक्षा में हम इन्हीं का यूज़ कर सकते हैं और शिक्षा हमको इतना हेल्प करेगी कि हम प्रॉपर तरीके से चीज़ों को कैसे लेकर जाएं और कैसे करें. यानी कि हर तरह का डिसीजन और निर्णय लेने का अधिकार हमको खुद को होगा, वही हमारी इंडिविजुअल ऑटोनॉमी होगी या इंडिविजुअल ऑटोनॉमी एजुकेशन होगी. ठीक है, वेट अ मिनट, ये क्या हो गया, थोड़ा सा बस आगे स्किप हो गया. ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं. तो नेक्स्ट पॉइंट में हम देख सकते हैं यहाँ पे रीजनिंग. रीजनिंग का मतलब आपको अच्छे से पता है, कोई भी कारण, कोई भी तर्क. तो क्या हुआ, द पावर ऑफ द माइंड टू थिंक, अंडरस्टैंड एंड फॉर्म द जजमेंट लॉजिकल. यानी कि हमारे पास रीजन की थिंकिंग तभी आएगी जब हम चीज़ों को क्या करेंगे, अपने दिमाग से करने की कोशिश करेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा चीज़ों को समझेंगे और प्रॉपर तरीके से डिसीजन ले सकेंगे. उस डिसीजन में किसी का भी हमको हस्तक्षेप नहीं चाहिए और जो डिसीजन हमारे लिए बेटर होगा हम उसी डिसीजन को लेकर क्या करेंगे, अपने एजुकेशन के करियर को चूज करेंगे. शिक्षा में हमको जो भी पर्सपेक्टिव करना है, जैसे मान लीजिए हमको टीचर ही बनना है ना, तो टीचर अगर हमको बनना है तो हम एक अच्छा टीचर बनने के लिए क्या करते हैं. अब मेरा खुद का डिसीजन है कि मैं एक अच्छा टीचर बनना चाहती हूँ तो इसके लिए क्या करूँगी, मैं बीएड ट्रेनिंग कोर्स करूँगी.
तो इसके लिए हमको क्या करेगा, कोई बॉन्ड नहीं करेगा, यानी कि हमने अपने कैरियर का डिसीजन खुद से ले लिया। तो ये क्या हुआ, एक तरीके से रीजनिंग, और रीजनिंग पता होती है कि हम चीज़ों को प्रॉपर तरीके से सोचते हैं, और हर काम के पीछे, हर घटना के पीछे एक रीज़न होता है, कॉज होता है, और कोई भी काम होता है तो वो बिना कॉज के या रीज़न के नहीं होता है। तो इस चीज़ को हम हमेशा अपने दिमाग में रखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बीएड वाला एग्जाम्पल दिया, आप इस एग्जाम्पल को लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑटोनॉमी ऑफ द रीजनिंग शेप्स वन एजुकेशन टू फॉर्म द गाइडिंग प्रिंसिपल। कहीं ना कहीं ऑटोनॉमी या स्वायत्तता हमको रीजनिंग करने के लिए डिफाइन करती है कि शिक्षा में अगर हम बीएड करेंगे तो हम एक अच्छे टीचर बन सकते हैं, अगर हम कोई इंजीनियरिंग की फील्ड में इंटरेस्ट है तो हम बीटेक कर सकते हैं। कुल मिला के हमारा जो पैशन होगा टीचिंग का, हमें एक अच्छा टीचर बनाएगा। अगर हमारे अंदर टीचर का अच्छा पैशन है, अच्छा टीचिंग करना चाहते हैं, तो हम बीएड ट्रेनिंग कोर्स करेंगे और ये हमारी खुद की ऑटोनॉमी होगी ताकि हम आगे जा सकेंगे, अपने कैरियर के लिए बेस्ट चूज़ करेंगे एजुकेशन के थ्रू। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं लर्नर ऑटोनॉमी। लर्नर ऑटोनॉमी क्या होती है, इस तरीके इसको हम बोल सकते हैं स्टूडेंट ऑटोनॉमी, है ना। स्टूडेंट ऑटोनॉमी यानी कि बच्चा जो है वो अपने एज के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने लर्निंग गोल को सेट करेगा कि वो क्या बनना चाहता है एक्चुअली में, और वो क्या बेटर करना चाहता है, वो क्या चीज़ों को ले ताकि वो क्या हो, कुछ और बेटर सीख सके। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स एबिलिटी टू सेट द एप्रोप्रिएट लर्निंग गोल्स। बच्चा अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग चीज़ों को खुद से सेट करेगा कि उसको क्या बनाना है, क्या करना है, क्या नया क्रिएट करना है। तो चीज़ों को वो खुद से करेगा और कुछ बेटर तरीके से करेगा और कुछ बेटर सीखेगा अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए। तो इसी को हम यहाँ पे लर्नर ऑटोनॉमी बोल सकते हैं, या इसी को हम चाइल्ड सेंटर्ड भी बोल सकते हैं कि बच्चा अपने नीड, एबिलिटी, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड के अकॉर्डिंग काम करेगा। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे, किसमें हेल्प करेंगे, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द लर्नर ऑटोनॉमी। कुछ फैक्टर्स हैं जो लर्नर ऑटोनॉमी को क्या प्रभावित करते हैं। तो पहला है आपका इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टीचर और स्टूडेंट, यानी कि लर्नर ऑटोनॉमी का मतलब है कि जो स्टूडेंट है पूरी तरीके से अपनी टीचिंग में, लर्निंग में इन्वॉल्व हो, है ना, वो पैसिव लर्नर ना बने ताकि चीज़ों को वो सीख ना पाए। तो इसलिए बच्चे को हमको पूरी फ्री एनवायरनमेंट, वो सारी चीज़ें देनी चाहिए, बच्चे को पूरी तरीके से टीचिंग में इन्वॉल्व होना चाहिए, और टीचर यहाँ पे उसको हेल्प कर सकता है एज अ गाइडर या फैसिलिटेटर। नंबर टू पे है एबिलिटी एंड द विलिंगनेस ऑफ द लर्नर, यानी कि यहाँ पे टीचर को ये देखना पड़ेगा कि लर्नर की इच्छा क्या है, लर्नर का इंटरेस्ट क्या है, लर्नर का एज क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, एटीट्यूड क्या है, इवन उसका लेवल क्या है, वो किस तरीके से पढ़ना चाहता है। तो हम उसको उसी की एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको पढ़ाएंगे, जो भी उसकी इच्छा होगी हम जबरदस्ती नहीं पढ़ाएंगे। थर्ड पॉइंट हमारा डेमोक्रेटिक स्कूल एनवायरनमेंट। डेमोक्रेटिक स्कूल एनवायरनमेंट का मतलब कि हम बच्चे को बिल्कुल फ्री एनवायरनमेंट देंगे कि अगर हम कोई सीसीए करा रहे हैं तो बच्चा जो सीसीए करना चाह रहा है, जो एक्टिविटी करना चाह रहा है, जो मल्टीपल एक्टिविटी या मल्टीपल टास्क, डिबेट, गेम, सीसीए जो कराते हैं, हम बच्चे को बिल्कुल फ्री कर दें कि भाई तू जो करना चाहता है तो कर, तेरे को कोई भी रोकेगा नहीं। यानी कि तो ये क्या हुआ, ये लर्नर को आपने ऑटोनॉमी दे दी उसकी खुद की पहचान बनाने के लिए कि वो किस गेम को खेलने में कितना इंटरेस्टेड है, किस तरीके के सीसीए को करने में वो कितना इंटरेस्टेड है। तो ये काम स्कूल वाले करा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पेरेंटल एक्सेप्टेंस या सपोर्ट। बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स बच्चे को क्या करें, सपोर्ट करें, है ना। ऐसा नहीं है लर्नर ऑटोनॉमी में क्या क्या होगा, पेरेंट्स बच्चे को छोड़ देंगे कि वो अपना कैरियर कैसे चूज़ करे। अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है बच्चा तो वो डॉक्टर ही बने, है ना। कुछ पेरेंट्स होते हैं सोचते हैं कि मेरा बच्चा केवल डॉक्टर और इंजीनियर ही बने, तो क्या केवल एक यही जॉब रह गई है डॉक्टर और इंजीनियर की। बच्चों को भी फ्री कीजिए उनको अपने हिसाब से उनके कैरियर को चूज़ करने के लिए कि वो किन सब चीज़ों को इंटरेस्ट से पढ़ते हैं। भाई देखिए, बच्चा जिसमें इंटरेस्टेड होगा उसमें अपना 100% देगा ना। तो यहाँ पे पेरेंट्स को भी क्या करना है, उनके रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट करना है और उनको हमेशा सपोर्ट करना है। पेरेंट्स अपने विचार अपने बच्चों के कैरियर बनाने में बिल्कुल भी क्या करें, जबरदस्ती ना थोपे। बच्चा जैसा करना चाहता है उनको करने के लिए उतनी वो फ्रीडम दीजिए, वो एक्सेप्टेंस उन्हें दीजिए। नेक्स्ट है करिकुलम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। लर्नर ओरिएंटेशन में क्या होगा कि टीचर जो होगा करिकुलम बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ाएगा, अपना टीचिंग का जो तरीका होगा बच्चों के अकॉर्डिंग देखेगा, और बच्चों को वो किस तरीके से सिखाना चाह रहा है वो बच्चों की नीड, इंटरेस्ट, एबिलिटी के अकॉर्डिंग सिखाएगा। अपने अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाएगा कि टीचर का जो मन होगा वो पढ़ा देगा, नहीं, ऐसा नहीं करेगा। किस में? लर्नर ऑटोनॉमी में। तो बच्चे की अपनी टीचिंग कैपेसिटी है कि वो क्या कर सकता है। इवैल्यूएशन नीड एंड इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द लर्नर। इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन। मूल्यांकन हम क्यों करते हैं, चीज़ों को बेटर तरीके से जानने के लिए कि हाँ हमने जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव या एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव बनाए हैं वो शिक्षा के थ्रू अचीव किए हैं कि नहीं किए हैं, तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए, पहले के टाइम पे क्या था, हमारा बोरिंग एग्ज़ाम सिस्टम था, 3 घंटे का एग्ज़ाम सिस्टम था, बच्चा बोर हो जाता था, ठीक है, और उसके पास इतना बर्डन हो जाता था कि वो अपने इंटरेस्ट को तो भूल ही जाता था, नीड को भी भूल जाता था। उसको ये पता होता था कि हाँ इस कोर्स का पेपर है और हमको 3 घंटे लिख कर आना है, जी तोड़ लिख कर आना है, क्योंकि नहीं लिखेंगे तो फेल हो जाएंगे, तो ये प्रेशर रहता था। तो आज के डेट में बच्चे को हम लोगों ने फ्री कर दिया है,
ई वैल्यूशन सिस्टम में थोड़ा सा चेंज किया है ग्रेड सिस्टम को लाकर, यानी कि बच्चे के ऊपर पूरी तरीके से बर्डन नहीं है। 3 घंटे के एग्ज़ाम की जरूरत पे हमने MCQs लगा दिए हैं, कम्पिटेटिव एग्ज़ाम बना दिए हैं, ये सारी चीज़ों को हमने चेंज किए हैं अकॉर्डिंग टू द सर्कमटेंसेस एंड नीड। तो यहाँ पर हमने पढ़ा लर्नर ऑटोनॉमी। अब जब लर्नर आया है तो टीचर भी आएगा, तो अब हम टीचर ऑटोनॉमी की बात करते हैं। टीचर ऑटोनॉमी का मतलब क्या हुआ? शिक्षक स्वायत्तता, यानी कि यहाँ पर टीचर को देखना है कि टीचर चीज़ों को करने के लिए कितना इनोवेटिव है, उसका टीचिंग मेथड कितना इनोवेटिव। और ऑटोनॉमी, टीचर ऑटोनॉमी का मतलब क्या हुआ? टीचर कुछ ऐसा बेटर करे कि क्या वो बच्चे के प्रस्पेक्टिव से बहुत बेटर है, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड, है ना। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे सब्जेक्ट सेंटर्ड की भी बात होगी, टीचर ऑटोनॉमी यानी कि टीचर को हर चीज़ के लिए क्या करेंगे, हम फ्री करेंगे। जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जो हमारा कॉलेज होगा, जो हमारा संस्था होगा, वो टीचर को कतई मना नहीं करेगा, टीचर को प्रोफेशनली बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखेगा उसके डिसीजंस को लेने के लिए, किस तरीके का वो मेथड यूज़ करेगा, किस तरीके की अप्रोच को यूज़ करेगा, क्या इनोवेशन होगा उसका टीचिंग में, और वो क्या पढ़ाएगा, कितना पढ़ाएगा, कब पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, ये सारी चीज़ें, उसका स्टाइल क्या होगा, उसकी अप्रोच क्या होगी, ये सारी चीज़ें टीचर ऑटोनॉमी के तहत आती है। तो ये पहला पॉइंट इस पे यही लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको बोला कि टीचर को हमको क्या करना है, प्रोफेशनली बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखना है हमको। स्कूल वाले या जो कॉलेज वाले हैं, टीचर को सपोर्ट करें कि वो अपने डिसीजन खुद से ले कि बच्चों को किस टाइम से क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसे। ऐसा तो नहीं है 1 किलो की जगह हम 10 किलो बच्चे को पढ़ा के चले आ रहे हैं, है ना। और बच्चे का पढ़ने का मूड नहीं तो टीचर अपना क्या करेगा, जबरदस्ती का नॉलेज ठूस के चलता चला रहा है। तो ऐसा नहीं करना है, टीचर को भी फ्री रखना है चीज़ों से, ठीक है, सोचने के लिए। ओके, अब कुछ फैक्टर्स हैं, इसको देख लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द टीचर ऑटोनॉमी, तो कुछ फैक्टर्स हैं जो टीचर को इफेक्ट करते हैं। एबिलिटी ऑफ द टीचर, है ना, एबिलिटी ऑफ द टीचर का मतलब देखिए यहाँ पे आपने बहुत देखा होगा, हर टीचर एबल है, वो डिग्री होल्डर होता है, उसके पास बहुत सारी डिग्रियाँ होती हैं, लेकिन जब वो प्रॉपर तरीके से बच्चों से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, तो उस डिग्री का होने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो टीचर को अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपनी डिग्री के अकॉर्डिंग, अपनी कम्युनिकेशन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन लाना पड़ेगा, चीज़ों को सीखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है willingness टू एक्सेप्ट ऑटोनॉमी। और टीचर की, देखिए टीचर जो होती है, टीचर की जो इच्छा होती है, वो अपनी इच्छा के दायरे में रहकर चीज़ों को एक्सेप्ट करे कि वो किस तरीके की ऑटोनॉमी रखना चाहता है। टीचर को तो देखिए बच्चों को नॉलेज देनी है, ट्रू नॉलेज देनी है, लेकिन टीचर ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग बच्चे को नॉलेज देता चला जा रहा और वो बच्चे के लेवल को, बच्चे के एक्सपीरियंस को क्या कर रहा, मैटर नहीं कर रहा है, बच्चे को क्या आता है, प्रीवियस नॉलेज क्या है, उससे उसकी कोई इच्छा नहीं है। टीचर अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, अपनी ऑटोनॉमी के अकॉर्डिंग बच्चे को एजुकेशन देता चला जा रहा, चाहे बच्चा पढ़ना चाह रहा चाहे नहीं आ रहा। नेक्स्ट है हमारा मोटिवेशन फ्रॉम द अथॉरिटीज़। टीचर्स को, टीचर ऑटोनॉमी को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो हमेशा प्रशासन को टीचर का सब मोटिवेशन देना चाहिए। टीचर को हमेशा प्रेरित करें कि हाँ आप ऐसे मेथड को अडॉप्ट कर रहे हैं तो हमारा स्कूल आपके लिए थैंक्सफुल है, ठीक है। ये सारी चीज़ें टीचर को हमेशा मोटिवेशन दीजिए। अगर वो कुछ अच्छा टास्क कंप्लीट कराता है, कोई एग्जीबिशन कराता है, कोई भी ऐसा टूर कराता है, फिर इसके अलावा कोई एक्सकर्शन कराता है, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी कराता है जो आपके स्कूल के लिए बेटर है, आपके कॉलेज के लिए बेटर है, आपके बच्चे को डेवलपमेंट के लिए बेटर है, तो आप टीचर को हमेशा इनकरेज कीजिए उन सब चीज़ों के लिए। कि और टीचर को फ्री कीजिए कि वो क्लास के अंदर बच्चों से कैसे ट्रीट कर रहा है, इन सब चीज़ों के लिए, है ना। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडॉप्टेशन। थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। टीचर को बिल्कुल रिजिड नहीं होना चाहिए कि नहीं हमको तो ये टॉपिक आज खत्म ही करना है, चाहे तुम बैठ के पढ़ो, हम आज ये टॉपिक खत्म करके जाएंगे। मतलब हम एक बड़ी यूनिट उतने दिन से नहीं पढ़ा रहे थे, लेकिन हमारा टारगेट क्या हुआ कि हम 1 घंटे के लिए आएंगे और बड़बड़ करके चले जाएंगे, बच्चे को वो टॉपिक समझ में आएगा कि नहीं आएगा। तो टीचर को थोड़ा सा अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा कि अगर वो देख ले कि किस टाइम पे बच्चों को कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, तो यहाँ पे वो फ्लेक्सिबिलिटी भी रख सकता है टीचर ऑटोनॉमी के तहत। नेक्स्ट है सेल्फ डायरेक्शन एंड द सेल्फ डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। यानी कि टीचर खुद से क्या हो, प्रेरित हो, खुद से डायरेक्टेड हो, और खुद का विकास करने के लिए क्या हो, हमेशा तत्पर रहे। यानी कि टीचर नई नई चीज़ों को सीखने के लिए क्या रहे, मोटिवेटेड रहे, अपनी जॉब के लिए डेडिकेटेड रहे। जैसे टीचर क्या करा सकता है यहाँ पे, अगर हम थोड़ा सा और इस चीज़ की बात कर सकते हैं, तो यहाँ पे टीचर एक्शन रिसर्च करा सकता है बच्चों से, ठीक है, एक्शन रिसर्च करा सकता है, ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। नंबर 2 पे अगर हम बात कर सकते हो तो केस स्टडी की बात कर सकता है, ये भी क्या है, बच्चों को एक्सप्लोर करती है, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। नंबर 3 पे अगर हम बात कर सकते हैं तो डायग्नोस्टिक काइंड ऑफ टीचिंग करा सकता है, ठीक है। नंबर 4 पे अगर हम बात करेंगे तो प्रीमीडियल क्लासेस करा सकता है, मतलब ऐसी ट्रिक्स की चीज़ों से, तो इनोवेशन वाली टीचिंग, इनोवेटिव टीचिंग करा सकता है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखेगा तो बच्चा। टीचर देखिए क्या होगा, टीचर को रिजिड नहीं होना है, टीचर को फ्लेक्सिबल होना है, टाइम के अकॉर्डिंग, सर्कमटेंसेस के अकॉर्डिंग अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या करना है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है, और वो मॉडिफिकेशन करेगा तो हमारा जो बच्चा होगा, जो हमारा चाइल्ड होगा, वो डेफिनेटली कुछ बेटर सीखेगा। ओके,
मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। तो अब हमको समझना है कि अंडरस्टैंडिंग द इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटी क्या होती है। अंडरस्टैंडिंग द इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कि हम हर व्यक्ति को कैसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, हम अगर वेल एजुकेटेड होंगे तो अपने अपने समाज में अपना स्टैंडर्ड बहुत अच्छे से बनाएंगे, अपने जो लेवल को है, जो हमारा लेवल है कि हम गरीब जाति में पैदा हुए हैं, ठीक है, तो हमारी जाति तो वही रहेगी, लेकिन एजुकेशन के थ्रू अपने लेवल को उठा के बेटर कर सकते हैं, मिडिल ले सकते हैं, हायर ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज की बात की गई है। जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज से क्या होगा, हर व्यक्ति को उसकी अपॉर्चुनिटी को साबित, यानी कि अगर व्यक्तियों को हमको डेवलपमेंट कराना है तो उन सबको हमको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, हमको समानता के अवसर देनी चाहिए। और हर व्यक्ति का अलग अलग स्किल होता है, हर व्यक्ति का अलग अलग ओरिएंटेशन होता है, ठीक है। तो एजुकेशन यहाँ पे बहुत हेल्प करेगी चीज़ों को समझने के लिए। चलिए यहाँ पे हम पहला पॉइंट देखते हैं, वेट अ मिनट। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट हमारा दे रखा है, आप देख सकते हैं इसको, एजुकेशन इज अ मेजर एलिमेंट टू एनश्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर द सक्सेसफुल इन द लाइफ। यानी कि शिक्षा क्या है, शिक्षा हमारी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए मेजर एलिमेंट है, मेजर टूल है, और शिक्षा हमको वो ऐसे अवसर प्रदान करती है ताकि हम अपने आप को डे बाई डे क्या करें, बेटर बनाएं, डे बाई डे हम बेटर सीखें, डे बाई डे हम बेटर टीच करें, डे बाई डे हम बेटर लर्न करें। तो एजुकेशन क्या हुआ, मेजर एलिमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात कर सकते हैं, नंबर टू, आवर एजुकेशन सिस्टम वॉज बिल्ट टू प्रिपेयर अ डाइवर्स स्टूडेंट फॉर द ईस्टर्न रिजल्ट। यानी कि कुल मिला के जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, यानी कि जो शिक्षा का प्रक्रिया है, बच्चों को इस तरीके से प्रिपेयर करना है, विभिन्न स्टूडेंट को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि वो एक लाइफ में स्टैंडर्ड जॉब को ले सकें थ्रू आवर एजुकेशन। यानी कि शिक्षा में ऐसा करिकुलम दीजिए आप ताकि बच्चों को फ्यूचर में जॉब मिल सके और उस शिक्षा का फ्यूचर में हमारे आने वाले टाइम में उसका यूज़ हो सके। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में, अवर सोसाइटी इज चेंजिंग। आपको पता है सोसाइटी का नेचर कैसा है, डायनामिक है, मोर डाइवर्स है, पीपल मोर चैलेंजेस, इकोनॉमिकल नीड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ओपन अदर एवेन्यूज ऑफ द जॉब। यानी कि हमारा जो सोसाइटी है, आपको पता है कैसा उसका नेचर है, डायनामिक नेचर है सोसाइटी के, लोग टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ों को चेंज करते हैं, उनका इकोनॉमिकल परस्पेक्टिव चेंज होता है, टाइम के अकॉर्डिंग उनकी नीड चेंज होती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी वे अडॉप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना बेटरमेंट चाहते हैं। और आज की डेट में वो वोकेशनल एजुकेशन की भी बात करते हैं, स्किल डेवलपमेंट ओरिएंटेशन कोर्सेज की बात करते हैं, न्यू इनोवेशन की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी का नेचर कैसा है, चेंजेबल है। सोसाइटी अपने आप को नीड के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग परिवर्तित करती है। नेक्स्ट है, नॉलेज गेन्ड एंड स्किल डेवलप थ्रू द एजुकेशन गिव द इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटी टू एवरीबडी। यानी कि हम हर व्यक्ति को, है ना, और हर व्यक्ति को हम इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे ताकि उस अपॉर्चुनिटी के थ्रू अपने वो ज्ञान का और अपने स्किल का बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सके एजुकेशन के माध्यम से। यानी कि शिक्षा के द्वारा हम हर व्यक्ति को अपने ज्ञान का और कौशल का विकास करने का अपॉर्चुनिटी देंगे, सभी को बराबर, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, द अपॉर्चुनिटी अ मैन क्रिएट्स एंड द चूज डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ हिज नॉलेज। देखिए, एक अपॉर्चुनिटी शिक्षा में, अगर एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो जो बेटर होता है, जो मैन होता है, वो कुछ अच्छा क्रिएट कर सकता है, कुछ खुद से बना सकता है चीज़ों को, न्यू कॉन्सेप्ट ला सकता है, अगर हम उसको वो अपॉर्चुनिटी देंगे जो उसको नॉलेज है। यानी कि हम उसके प्रीवियस एक्सपीरियंस को मैटर करेंगे और उसके थ्रू हम उसको एक अवसर देंगे अपने आप को परिवर्तित करने के लिए, ताकि वो चूज़ करे अपनी चीज़ों को, अपने कैरियर को, और कुछ उस फील्ड में बेटर करने की कोशिश करे। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं फॉर द रिफ्लेक्शन, तो हम इन पॉइंट्स को कंसीडर कर सकते हैं और चीज़ों को बेटर बना सकते हैं। तो पहला पॉइंट देखिए क्या है, रिकमेंडेड एनी थ्री स्ट्रेटजीज टू मेक द सोसाइटी अकाउंटेबल फॉर एजुकेशन। यानी कि शिक्षा को में ऐसे तीन सिफारिशें हैं, तीन ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिनको अगर हम अडॉप्ट करते हैं या जिनका हम अकाउंट करते हैं, तो एजुकेशन को सोसाइटी के लिए बेटर बना सकते हैं। तो जैसा पहला देखिए, आइडेंटिटी द ड्रॉबैक्स ऑफ द प्रेजेंट एजुकेशन। यानी कि सबसे पहले हमको जो कमी है शिक्षा की, हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या कमी है, उस कमी को हमको क्या करना है, दूर करना है, उस कमी को पहले निकालना है एजुकेशन सिस्टम में से, और उस कमी को दूर करना है, और कमी को दूर करके क्या करना है, जो कमियां हैं उनको दूर कैसे कर सकते हैं, एजुकेशन लेवल को बढ़ाकर, ठीक है, अवेयरनेस बढ़ाकर, क्वालिटेटिव ऑफ एजुकेशन देकर चीज़ों को हम दूर कर सकते हैं। नंबर टू पर बात कर सकते हैं हम, देखिए, वॉट आर यू सजेशन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। आप क्या सजेशन देना चाहते हो शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए, तो आप इसके बारे में बात कर सकते हैं कि हमको किस तरीके की चीज़ों को अपने करिकुलम में, अपने एजुकेशन में इन्वॉल्व होना चाहिए ताकि बच्चा जो है वो करियर ओरिएंटेड बने और जॉब ओरिएंटेड बने। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, टू पॉइंट्स और हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा है, सिग्निफिकेंट रोल ऑफ सोसाइटी ऑन एजुकेशन इन द एस्पेक्ट ऑफ एम, करिकुलम, डिसिप्लिन, टीचिंग, लर्निंग प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। जो सोसाइटी है,
देखिए, जो शिक्षा है सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कौन? और वहाँ पे जो हमारे शिक्षा के उद्देश्य होते हैं, जो हमारा पाठ्यक्रम होता है, जो हमारा डिसिप्लिन होता है, जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, जो हमारा मूल्यांकन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन? शिक्षा। तो इसलिए शिक्षा को कैसे सुधारा जाए, उसकी कमी को कैसे इनोवेट किया जाए, जो कमियां हैं उसको पकड़िए, उसको डायग्नोज कीजिए और फिर उसकी रेमेडी कीजिए। तो इसके बारे में बात की है इन्होंने, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है नीड फॉर मोर स्किल ओरिएंटेड, यानी कि ज़रूरत क्या है आज के डेट में ज़्यादा से ज़्यादा स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज को अप्लाई करने के लिए और उनकी एप्लीकेशन बनाने के लिए, ताकि वो क्या हो, अपनी जो मेमोरी है उनकी, जो प्रोड्यूसिंग मेमोरी है, मशीन की तरीके से काम कर सके और अपने आप को एक अच्छा एप्लीकेशन ओरिएंटेड लर्निंग को सीख सके। क्योंकि आज की डेट में देखिए, जैसे मानो के एक्सक्यूज मी, जैसे कि मानो पहले काम करता था तो उसको रिप्लेस करके मशीन आई ना, तो ये सारी चीज़ें भी क्या कर सकते हैं, हम अपने स्किल ओरिएंटेशन एप्लीकेशन कोर्सेज को अप्लाई करके एक अच्छा जॉब ले सकते हैं और जॉब लेके अपनी कंडीशन को बेटर बना सकते हैं। और अपनी कंडीशन को बेटर बनाएंगे तो हमारी सोसाइटी बेटर होगी, और अगर हमारी सोसाइटी बेटर होगी तो जाहिर सी बात है हमारे देश का भी इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर अच्छे से होगा। तो यहाँ पे हमने एक बड़ा टॉपिक कवर किया, होपफुली आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने थोड़ा सा स्पीड कम करके पढ़ाने की कोशिश की है, इसलिए क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ है। आपको वीडियो लेंथी जरूर लगेगा बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हमने आज पढ़ा यूनिट 6 में सोशल बेसिस ऑफ एजुकेशन, और जिसमें हमारा टॉपिक था हिस्टोरिकल चेंजेस, है ना, हिस्टोरिकल चेंजेस इंट्रोड्यूस बाय द इंडस्ट्रियल, ये बड़ा टॉपिक कंप्लीट किया, तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, आप नोट्स भी बना सकते हैं और चीज़ों को समझ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, ठीक है। और कोई भी वीडियो में दिक्कत हो तो यू कैन आस्क मी इन माई कमेंट सेक्शन, और वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल है, नीडफुल है, रिक्वायर्डफुल है, तो प्लीज़ इसको ढेर सारा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना विश्वकर्मा। नाउ और साइनिंग।